Hello friends, for watching more videos, subscribe my channel and click the bell icon. Hello friends, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न पकौड़े। तो बारिश के मौसम का मजा लेते हुए बनाइए स्वीट कॉर्न पकौड़े। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई रेसिपीज सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करिए। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। स्वीट कॉर्न पकोड़े बनाने के लिए हमने 1.5 कप लिया है स्वीट कॉर्न, 4 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, 1/2 कप बेसन लिया है, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये जीरा मैंने भून कर लिया है जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। तो 2 टीस्पून जीरा दरदरा पिसा हुआ इसमें हम यूज करेंगे। जरूरत के अनुसार पानी और फ्राई करने के लिए ऑयल। तो अब सबसे पहले हम हरी मिर्च को 2-3 टुकड़ों में तोड़कर इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और स्वीट कॉर्न डाल देंगे। इसे हमें मिक्सी जार में दरदरा पीस लेना है। ध्यान रहे ये ज्यादा बारीक ना होने पाए, इसे हमें दरदरा करना है और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मैं इसे चर्न कर लेती हूँ। अब हम सबसे पहले ऑयल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब तक के हम बैटर बना लेंगे। स्वीट कॉर्न को हमने दरदरा पीस लिया है और आप देख रहे हैं हरी मिर्च के कुछ ऐसे टुकड़े इसमें दिख रहे हैं, तो ये टेस्ट में अच्छे लगते हैं, ज्यादा बारीक नहीं होने चाहिए। इसमें मिला लेते हैं चिकपी फ्लावर, एकदम पूरा चिकपी फ्लावर हम इसमें नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो इसकी सारी जो टेस्ट है वो बेसन की ही लगेगी और हमें स्वीट कॉर्न की ज्यादा टेस्ट चाहिए। दरदरा पिसा हुआ जीरा डाल देंगे इसमें, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसन हमें और लेना होगा, इसमें मिक्स करेंगे अदरक। अदरक को हमने मिक्सी जार में चर्न नहीं किया था क्योंकि इसके बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं, इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। हरा धनिया मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है तो हरा धनिया हम इसमें यूज करेंगे। अब जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तभी हम इसे फ्राई करते टाइम मिक्सअप कर लेंगे। कभी कभी चिकपी फ्लावर में चिकनाहट नहीं होती, तो मिक्स करते समय अगर आपको लगे कि ये बाइंडिंग नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सूजी ऐड कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम पकौड़ों को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। देखिए अब ये ब्राउन गोल्डन कलर के हो गए हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, खाने के लिए फिर अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसी तरह से मैं पूरे जो पकोड़े हैं उन्हें फ्राई कर लूंगी। ऐसे ही हमें इसे हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। स्वीट कॉर्न पकोड़े आप ऐसे भी गरम गरम खा सकते हैं या पुदीने की हरी चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ भी इसे परोसा जा सकता है। इस तरह से मैंने पूरे पकोड़े गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग बाउल में।
स्वीट कॉर्न पकोड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न पकोड़े आप ट्राई करिए और खिड़की में से बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पकोड़े खाइए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।